कुछ नहीं था। उसको लगता था कि मैं थक गया हूँ, मुझे खाना भी ढूंढना पड़ता है और जो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल्स हैं उनसे डरना भी होता है, वो मुझे परेशान भी करते हैं। तो ऐसे ही करते करते उसके माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं किसी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल हो उसका सर्वेंट बन जाऊँ। इस तरीके से मुझे खाना भी नहीं ढूंढना पड़ेगा, प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी और जो स्ट्रॉन्ग एनिमल्स हैं ज्यादा उनसे डरना भी नहीं पड़ेगा। सब मुझसे डरेंगे क्योंकि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल का सर्वेंट होगा और वो मेरा मास्टर होगा। तो इसी आइडिया के साथ वो निकल गया अपने लिए मास्टर ढूंढने। डॉग अपने लिए मास्टर ढूंढने के लिए चलता गया और रास्ते में उसे वुल्फ मिला। आप तो जानते हैं वुल्फ उसी का रिलेटिव ही तो है, उसी की जाति का ही है। बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही डेंजरस सा एक वुल्फ मिला। उसने डॉग से क्या पूछा? वेयर आर यू गोइंग डॉग, तुम कहां जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जिसका मैं सर्वेंट बन जाऊँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे वुल्फ? डॉग के पूछने पर वुल्फ ने तुरंत हाँ कर दी और इस तरीके से वुल्फ डॉग का मास्टर बन गया। अब दोनों साथ साथ जा रहे थे, लेकिन जाते जाते अचानक वुल्फ डर गया और झाड़ियों के पीछे छुप गया। डॉग ने उससे क्या पूछा? व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो? क्या चीज ने आपको इतना डरा दिया है मास्टर, क्या बात है? कांट यू सी, देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ बियर है, वो हम दोनों को खा जाएगा। जब डॉग ने देखा कि बियर तो वुल्फ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो डॉग ने डिसाइड किया कि वो बियर का सर्वेंट बनेगा और वुल्फ को छोड़ देगा। तो इस तरीके से वो वुल्फ को छोड़ के बियर का सर्वेंट बन गया और बियर भी इस बात के लिए रेडी हो गया। अब बियर ने उससे क्या कहा? चलो हम एक काउस का ग्रुप ढूंढते हैं, मैं एक काऊ मारूंगा और हम दोनों मिलके खाएंगे। बियर और डॉग चलते गए, वो काउस का ग्रुप ढूंढ रहे थे। सामने बहुत सारी काउस भी नजर आ गई और वो जैसे ही इनके पास पहुंचने वाले थे, उनको अचानक से टेरिबल नॉइज आई, भयानक आवाज सुनाई दी। काउस भी डर के इधर उधर भाग रही थी। बियर भी ट्री के पीछे छुप गया और भागने लगा। ये सब देख के डॉग फिर सरप्राइज हो गया। Now why did I have to come here? It is the lion who rules the forest in this part, don't you know? He is the strongest beast on earth. हमें इस एरिया में नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे तो लोयन का राज है और वो ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है पूरे अर्थ पे। Well, I will say goodbye to you. I want a master who is stronger than anyone on earth. अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें goodbye करता हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो पूरे अर्थ में। जब डॉग ने देखा कि लोयन तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, बियर से भी स्ट्रॉन्ग है, तो उसने बियर को छोड़ दिया और लोयन के पास गया और लोयन से पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? लोयन ने भी हाँ कर दी और डॉग फिर लोयन का सर्वेंट बन गया और डॉग लोयन के साथ बहुत टाइम तक उसका सर्वेंट बन के रहा। उसकी बहुत अच्छी लाइफ निकल रही थी क्योंकि डॉग तो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल चाहता था और लोयन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। किसी और दूसरे एनिमल की हिम्मत नहीं थी कि वो डॉग को परेशान करे। तो इस तरीके से डॉग बहुत अच्छे से रह रहा था, लेकिन एक दिन अचानक जब दोनों जा रहे थे रास्ते में, तो लोयन को अचानक से गुस्सा आ गया और वो दहाड़ने लगा और पीछे की तरफ जाने लगा। ये देख के डॉग फिर सरप्राइज हो गया। उसने लोयन से पूछा, व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग? क्या बात है मास्टर, क्या कोई प्रॉब्लम है? आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। मुझे मैन की स्मेल आ रही है, हमें भाग जाना चाहिए नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। Oh well, then I will say goodbye to you, Loen. I want a master who is stronger than anyone on earth. ऐसी बात है तो मैं तुम्हें goodbye कहता हूँ Loen, क्योंकि मुझे तो ऐसा master चाहिए जो earth में सबसे strong हो। जब dog ने देखा कि Loen तो man से डरता है और man ही सबसे strong होता है earth पे, तो उसने Loen को goodbye कर दिया, Loen को छोड़ दिया और वो अब man का servant बन गया। तो ये तो बहुत पहले की बात थी, लेकिन आज भी dog man का सबसे loyal, सबसे faithful servant होता है। उसके बाद उसने कोई मास्टर नहीं ढूंढा और इस तरीके से डॉग ने मेन को फाइनली अपना मास्टर बना लिया। और जो चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, तो आपने देखा कि डॉग ने खुद ही अपने लिए एक नया मास्टर ढूंढ लिया और वो मेन का आज भी सबसे फेथफुल और लॉयल सर्वेंट है और मेन भी उसको पेट एनिमल बना के रखते हैं। तो जिस तरीके से डॉग इतना लॉयल है, फेथफुल है, इतनी प्रोटेक्शन करता है, उसी तरीके से मेन को भी डॉग की केयर करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप कि स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। Please like, subscribe and share.